अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान अच्छा चल रहा होगा आप सबका। आज हम अपनी वीडियो में शेयर कर रहे हैं एक पकोड़े की रेसिपी, जो कि बहुत इजी है और बहुत जल्द बन जाती है। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं आलू तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के, और प्याज लेंगे हम 2 अदद, पालक ले रहे हैं हम आधा कप, और बेसन हम लेंगे तकरीबन आधा कप। इसमें हम स्पाइसेस में डालेंगे 1 चम्मच सुरख लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक का, और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया कुतरा हुआ, और 5 से 6 अदद आप डाल लीजिए हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। और अब इस मिक्सचर को पहले आप मिक्स कर लीजिए, और पानी फिर आपने बाद में डालना है अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इन सब्ज़ियों का अपना पानी भी होता है, तो आपने इसलिए पहले पानी नहीं डालना, पहले सिर्फ आपने बेसन को इसमें मिक्स करना है। अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करेंगे, बेसन की क्वांटिटी आपने कम रखनी है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ पे हम 2 चम्मच बेसन के और डालेंगे, और अब यहाँ पर हम 2 चम्मच तकरीबन पानी के डाल के इसको मिक्स करेंगे। हमने ये जो मिक्सचर है इसको थिक रखना है, इसको पतला नहीं करना, क्योंकि आप इसको मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सब्जियों का पानी है वो निकल आएगा और जो मिक्सचर है वो खुद ही थिन हो जाएगा। मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो थोड़ा सा पानी है सब्जियों का वो निकल आया है, और जो मिक्सचर है वो जो पहले थिक था वो थिन हो गया है, पतला हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत हुआ। तो इसलिए आपने ये चीज़ टिप है आपकी कि आपने जो मिक्सचर है उसको थिक रखना है, और थिक करने के बाद 15 मिनट के लिए रख देंगे तो अपने आप ही ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब इसको हम फ्राई करना शुरू कर रहे हैं, और फ्राई आपने मीडियम फ्लेम में करना है। अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जो है काले हो जाएंगे या ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, और अंदर से जो सब्जियां हैं जैसे आलू वगैरह ये कच्ची रह जाएंगी।